हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक प्राइवेट बटन में मिल जाएगा। आज मैं फीचर्स बताने वाला हूँ डेल के, जो कि नया लैपटॉप मैंने लिया है, इसके सारे फीचर्स बताने वाला हूँ, जो कि मॉडल है 7591। ठीक है, ये ऑनलाइन मॉडल है, ये ऑफलाइन में नहीं मिलेगा आपको। जिन्होंने ये परचेज़ किया उनको पता होगा, तो इसके सारे फीचर्स मैं बताने वाला हूँ A to Z। ठीक है, कुछ खास फीचर्स है जैसे कि आपको नहीं पता होगा, हार्ड ड्राइव को कईयों को नहीं पता होता कि हार्ड ड्राइव को मल्टीपर कैसे बनाएं, मतलब कि कैसे उसके पार्ट बनाएं हार्ड ड्राइव के, क्योंकि जब ये हम परचेज़ करते हैं ऑनलाइन तो हमें हार्ड ड्राइव का एक ही पार्ट मिलता है जो सी ड्राइव होता है, तो सी ड्राइव में ही हमें सारा डाटा रखना पड़ता है, तो सी ड्राइव को अलग छोड़ के बाकी पार्ट कैसे बनाएं वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें और भी फीचर्स है, जैसे कि ये पैड का क्या क्या काम कर सकते हैं, शॉर्ट्स फीचर्स है, तो वो सारा कुछ बताने वाला हूँ। वैसे एक्सपीरियंस के मामले में मैंने इसकी 2-3 वीडियो बनाई रखी हुई हैं, अनबॉक्सिंग से लेके फिर 7 दिन का एक्सपीरियंस, उसके बावजूद ये कैसा चल रहा है, तो फिलहाल तो ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो हाँ, इसमें बनाते बनाते मैं कुछ इसके कमियाँ भी बताऊँगा, तो चलो टाइम ना वेस्ट करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ये टिप्स आपके लिए बहुत बढ़िया है, शायद आपके लैपटॉप में भी हो, जरूरी नहीं आप यही लैपटॉप है, जो फीचर इसमें है वो आपके लैपटॉप में भी हो सकते हैं, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं ये कर्सर के क्या क्या फीचर्स हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो ये हार्ड ड्राइव है इसके आपको पार्ट कैसे करने होते हैं, ये आपको सारे मैं बता दूंगा कि जैसे ये मैंने पार्ट कर रखे हैं ये कैसे कर रखे हैं और इसको कैसे करना है। ठीक है, क्लोज में दिखा देता हूँ। जब मुझे ये लैपटॉप मिला था तो इसमें सिर्फ सी ड्राइव थी और इसकी खुद की ड्राइव एक ये और ये, ठीक है, तीसरी ड्राइव ये, ठीक है, उसके बाद जो मैंने एक टीवी की हार्ड ड्राइव अलग से डलवाई है तो वो ये और ये आप मैंने पार्ट किए हुए, जैसे ये देख सकते हो कि इसमें मैंने 111 GB छोड़ी हुई है सी ड्राइव में, जो कि होनी चाहिए इतनी ही, और उसके बाद जो मैंने ड्राइव का पार्ट अलग किया था तो उसमें ये देख सकते हो 195 GB तक का मैंने एक पार्ट अलग बनाया था, उसके बाद 150 GB का मैंने एक पार्ट अलग बनाया था। इसकी खुद की इंटरनल में जो मेमोरी है, जो कह सकते हैं इसका जो स्टोरेज है वो 512 GB तक की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद मैंने 1 TB की इसकी हार्ड डिस्क बनाई, जिसमें ये चेक कर सकते हो 300 GB की, 310 GB की, 320 GB की, मतलब टोटल हार्ड ड्राइव आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो चलो अब सबसे पहले हम जो वीडियो के इसके कुछ फीचर्स है वो बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके जो नीचे कर्सर के क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले मैं कोई एक फ़ोटो खोल लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने फाइल खोल ली है, इसमें मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको खोल लिया है और इसको क्लोज कर दिया है, साथ के साथ एक फ़ाइल और खोल ली है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि 2-3 फाइल मैंने खोल रखी है। ठीक है, तो ये लो, इसमें हम एक और फोल्डर खोल देते हैं, तो ये मैंने फोल्डर बना रखे है, जब मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ तो ये मल्टी एम की एक वीडियो के एंड में ये मेरी फ़ोटो आती ही है, तो इसको भी क्लोज कर देता। अब आप नीचे देख सकते हो कि 2 चीज़ें खोल रखी हैं। अब सपोज करो कि जैसे कि मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ और देखना है, तो मैं 3 फिंगर्स, ये माउस पे 3 फिंगर्स है, मैं इसको नीचे स्वैप करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, अब ऊपर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली वहीं से खुल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये आप देख सकते हो कि मैंने यूट्यूब खोली हुई है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ जहाँ जो आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, तो ये देख सकते हो मैंने 3 फिंगर्स इसको ऐसे किया और ये बंद हो गया, 3 फिंगर्स अप किया, ये ऐसे हो गया। तो 3 फिंगर्स के साथ आप डाउन करोगे तो ये जो जहाँ पे भी हो गया आप ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप 3 फिंगर्स अप करोगे, 3 फिंगर्स को सर्कल से लेके अप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये फीचर्स मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा, जैसे कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज एग्जांपल लगा लो, कोई टाइपिंग कर रहा हूँ मैं, कोई आ गया तो मैं इसको बंद करना चाहूँगा, आसानी से बंद हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि आपको बंद करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है या क्लोज़ करने के लिए यहाँ जाना पड़ता है, ये चीज़ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली टिप्स, ठीक है, जो मुझे इसमें सबसे बढ़िया लगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, मुझे आप बाकी आपको कौन सा सबसे बेस्ट लगा मुझे ज़रूर बताना। तो क्या करना है आपने, 3 फिंगर्स डाउन बंद, 3 फिंगर्स आप वहीं से खुलेगा जो चीज़ आपने बंद किया है। अब आता है कि जैसे सपोज़ करो आप ये चला रहे हो, उसके बाद आप एक पेज और यहीं पे हम एक चीज़ और खोल लेते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस के इंडिया में कितने केस चल रहे हैं वो चेक करना है, जैसे मैंने खोल लिया। ठीक है, ये वेबसाइट मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो अभी कोरोना के जो केस चल रहे हैं, अभी इसको 2 घंटे हो चुके हैं अपडेट किए हुए को, इसमें 1440 केस हो चुके हैं, जिसमें कि 140 रिकवर हो चुके हैं, एक्टिव केस है जो वो 1252 है, और इसमें आप 48 जो हो डेथ हो चुकी है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम जैसे कि ये मैंने क्लोज कर दिया, ये ओपन कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इधर वाली साइड पे, मतलब कि यूट्यूब पे जाने के लिए, तो थ्री फिंगर्स है आप पे, इसको जैसे कि जे डाउन है, तो अगर आप इसको ऐसे करोगे तो आपको जो भी आपका खुला है इधर वाला पार्ट, वो आपको अपने आप दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आप थ्री फिंगर्स को आप ऐसे स्वैप करते हो, जैसे ये देख सकते हो कि ये आपको वो एरिया खुल गया। मैं इसको थ्री फिंगर्स को इधर स्वैप करूँगा तो ये ऑटो, सॉरी फ्रेंड्स, इधर तो ये खुला ही है। अगर मैं इसको इधर करूँगा, ये देख सकते हो अभी दो पेज खुले हैं। अगर मैं तीन फिंगर्स को इधर करता हूँ इधर हो जाता है, इधर करता हूँ इधर करके छोड़ूंगा तो ये अपनी मेरी मेन एल्बम पे आ जाता है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करके एक चीज़ और खोल देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब हम खोल देते हैं फिल्मोरा को, जिसमें मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तीन फिंगर्स के जब हम नीचे स्वैप करते हैं तो बंद हो जाता है, अप करते तो जो बंद हुआ वो वहीं से खुल जाता है। अगर हम तीन फिंगर स्वैप इधर करते हैं तो जो पार्ट आपके फोल्डर खुले हुए हैं उसमें इधर वाला पार्ट खुल जाता है। अगर आप और इधर करोगे तो, बल्कि ऐसे अभी तो मैंने दो खोले थे, अभी मैं तीन खोलूंगा तो तीन के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। आप अपने लैपटॉप के साथ भी देख सकते हो कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद एक चीज़ और बता लूँ, ये आप ऑन भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, ऑन कैसे करना है ये नहीं मुझे पता। ठीक है फ्रेंड, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगा। अब जैसे मैंने ये फिल्मोरा गो एक सेकंड में बंद कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन खुल रही है, इसको बंद कर दूँ, ये बाद में आती आती है। तो ये मैंने नीचे क्लोज़ किया, बंद कर दिया, और यहीं से फिल्मोरा गो, ये सॉरी, ये अब मैं आप करूँगा। ठीक है, ये थी थ्री फिंगर्स ने अप किया, तो अभी ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने उसको लॉग आउट किया था, ये साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है, पर मुझे यहाँ साइन इन नहीं करना है। हाँ, अब आप कुछ भी यहाँ से खोलना चाहते हो तो आसानी से जिसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये चीज़ खुल गई, उसके बाद डाउन किया, अप किया, यही खुल गई, क्योंकि वो मैंने एप्लीकेशन आई थी मैंने कट कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसको अप करने के बाद, तो हम डाउन करने के बाद जब हम इसको राइट साइड करेंगे तो ये देख सकते हो अब तीन एप्लीकेशन आ चुके हैं जो मैंने खोलनी है उसके ऊपर मैं जा सकता हूँ। अगर मुझे नेट खोलना है तो मैं नेट पे जा सकता हूँ, अगर मुझे फिल्मोरा गो खोलना है तो मैं फिल्मोरा गो पे जा सकता हूँ, अगर मुझे अपनी फाइल मैनेजर खोलना है तो वो खोल सकता हूँ। अभी जैसे मैं फिल्मोरा गो खोल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने फिल्मोरा गो खोला, 2 मिनट में फिल्मोरा गो खुल गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्वैप करते हैं। अब इसमें क्या है, टू फिंगर्स आप जब अप करते हो या डाउन करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट होता है, जैसे कि थ्री फिंगर्स है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हम कि ये खोल लिया हमने, अब मैं चाहता हूँ कि ये धीरे धीरे ऊपर जाए ऐसे। ठीक है, तो ये माउस जो बीच वाला माउस का ऐसे ऐसे करने वाला होता है, तो टू फिंगर्स के साथ आप ऐसे करोगे तो ये इजीली वर्क करेगा ऊपर और नीचे जाने के लिए। यहाँ आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, इसको नीचे करोगे, ऊपर करोगे, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल के साथ आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, टू फिंगर्स है, आप अप करोगे तो अप जाएगा, ठीक है, डाउन करोगे तो डाउन आएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आ जाता है कि और क्या ऑप्शन आपको मिल जाता है, अब आप चाहते हो कि आप धीरे धीरे ऊपर जाए, आपको एक फिंगर रखनी है और एक एक फिंगर को आपको ऊपर स्वैप करना है, एक फिंगर मतलब कि टैप कर लेनी है यहाँ पे, उसके बाद आप सिंगल इसको फिंगर को ऊपर करोगे तो ये ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, अदरवाइज आप दोनों फिंगर्स ऐसे नीचे करोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये इंडिया का खुला हुआ तो इंडिया का आएगा, अगर आप चाहते हो कि पूरे वर्ल्ड का आए तो आपको यहाँ पर लिखना है, ये देख सकते हो, ये वेबसाइट का नाम लिखना है आपको, वेबसाइट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको सीधा नीचे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद आपको सीधा वो जो भी इसकी डिटेल चल रही है वो सारी A to Z आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि टोटल जो केस हो चुके हैं। इसका जो अपडेट आया है वो यहाँ पर लिखा आता है कि ये 11 बजे का सुबह का अपडेट किया हुआ है, 31 तारीख का। ठीक है, मतलब कि आज के महीने, आज की तारीख 31 है, तो 31 तारीख के 11 सुबह के 11 बजे का अपडेट हुआ, उसके बाद अपडेट नहीं आया। तो इसमें लगभग 7 लाख, मतलब कि 8 लाख ही लगा लो, 2 पीपल का मैं, तो 8 लाख मरीज जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि मैं टू फिंगर से अप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा आपको USA में केस देखने को मिलेंगे कोरोना में, जैसे कि न्यू केस ये रहे, डेथ कितनी हो चुकी है, न्यू डेथ कितनी हुई है, ठीक है, रिकवर कितने हुए हैं, टोटल एक्टिव केस कितने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आपको। और इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जो कोरोना के केस आए गए हैं वो आपको देखेंगे 512, जो कि 11 बजे तक है, जो न्यू अपडेट अभी तक इस पर नहीं हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओवरऑल वर्ल्ड का दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप चेक कर सकते हो। USA में अगर आपने चेक करना है कि सबसे ज़्यादा केस कहाँ है, आप USA पे क्लिक करोगे तो आपको अकेला USA दिख जाएगा, मतलब कि 1,64,359 जो केस है कोरोना के हो चुके हैं, 3,000 डेथ हो चुकी है समथिंग, 3,000 से प्लस, और 5,000 रिकवर हो चुके हैं, 5,500, और सबसे ज़्यादा केस न्यूयॉर्क में देखने को पाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेबसाइट मैं आपको दे दूंगा, तो फिलहाल आप इसका लाभ उठा सकते हो, ये देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये आप देख सकते हो।
उसके बाद अगर हम बात करें बैक जाने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट राइट करने का। हाँ अब एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि मैं अपनी यहाँ के कोई भी वीडियो खोल लेता हूँ, जैसे कि हम लिख देते हैं स्विमिंग, SWIMMING, सर्च मार दिया मैंने स्विमिंग। स्विमिंग सर्च मारोगे तो आपको ये मेरी वीडियो मिल जाएगी, ये वीडियो मेरी ही है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये देख तो गहरे पानी में कैसे तैरें, तो ये मैंने प्ले कर दिया है। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट पार्ट कि इसको मतलब कि जो नेक्स्ट टिप्स है वो बता देता हूँ। अब जैसे कि हम गाना सुन रहे हैं, कोई एकदम आ जाता है, हमें वॉल्यूम की डाउन करनी है, या तो हम यहाँ से करते हैं, ये ऑप्शन आ जाता है, या तो यहाँ हम यहाँ से करते हैं ऐसे ऐसे बटन दबा के, या उसको दबा के रखते हैं, तो इसमें आपको बहुत आसान देखने को मिल जाएगा। तो अब जैसे मैंने वॉल्यूम डाउन करने है, चार फिंगर्स है, चारों को ऐसे टच करके पैड के ऊपर मैं नीचे करूंगा तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। ये आप देख सकते हो ऊपर वॉल्यूम डाउन हो रही है, ये अप करूंगा तो अप हो जाएगी। तो ये चार फिंगर्स आपने ऐसे रखनी है, ठीक है, आपने नीचे करना है तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अप करनी है तो अप हो जाएगी, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। तो पहला फीचर्स क्या, मैंने सबसे पहले बताया कि आप थ्री फिंगर से स्वैप नीचे करोगे तो एकदम नीचे चला जाएगा, आप नीचे से स्वैप ऊपर करोगे तो एकदम आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। दूसरा, थ्री फिंगर लेफ्ट करोगे तो आपको जो आपने पेज पे जाना चाहते हो शॉर्ट की से आप आसानी से पहुंच पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थ्री आ गया कि आपने फोर फिंगर से थ्री आ गया सॉरी टू फिंगर से आप इसको नीचे कर सकते हो और ऊपर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ये सारी वीडियो देखने को मेरी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इस बार स्विमिंग पूल खुल नहीं रहा अभी तक, आपको वीडियो नहीं तो मिल जानी थी। उसके बाद अगर बात करते हैं सिंगल टैग करके, आप इसको धीरे धीरे भी आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है। नीचे करने तो आप नीचे कर सकते हो, माउस को हिलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट टिप्स थी, वो चार फिंगर्स को आप यहाँ टच करके आप नीचे स्वैप करोगे तो आपको वॉल्यूम की रोककर नीचे आपको मतलब कि वॉल्यूम कम करने का और वॉल्यूम करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये जो मैंने वीडियो चलाई हुई है, हाँ तो आगे हम मैं बताता हूँ, ये जो मैंने वीडियो चलाई हुई है इसको मैंने अंडर वाटर कैसे करें, ये 16 फिट में दिखाई थी। हाँ अगर आप थ्री फिंगर्स अगर ऊपर स्वैप करते हो तो जो भी चल रहा है, जो भी एप्लीकेशन चल रही है, वो आपके स्क्रीन छोटी हो जाएगी, कितने कितने आपने फोल्डर खोल रखे वो सारा दिख जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको खोल लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अब हम आप चाहते हैं कि ये चीज़ स्किप हो जाए थोड़ी सी, तो स्किप करने के लिए क्या करना है, आपको अलर्ट दबाना है और साथ में आपको ये वाला दबाना है। इसको जैसे हमने प्रेस कर लिया, फिर इसको दबाओगे तो जैसे आप मेरी वीडियो देख सकते हो, तो इसको मैं टैप कर रहा हूँ, ठीक है। ये 10-10 सेकंड अपने आप आगे, 5 सेकंड 5 सेकंड अपने आप आगे जा रही है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं इसको हटा देता हूँ, सॉरी, ये बढ़िया रहता है वैसे, इसको हटा देते हैं। तो इसको दबा के रखना है, इसको जैसे ऐसे प्रेस करके इसको एक एक जैसे दबाओगे तो ये आगे जाएगी, ये चेक कर सकते हो मेरी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, इसको हम कट कर देते हैं। अब ये आप देख सकते हो मैंने अलर्ट दबाया और इसको दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। चलो इसे इसे दबा लेता हूँ, सॉरी, इसको यहाँ से, ठीक है। ये देख सकते हो, ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब अगर आपका नेट सही है तो तुरंत की तुरंत चलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको नेक्स्ट टिप बता दी। उसके बाद आ जाता है कि हमने जैसे कि अलर्ट दबा के आप इसको डाउन करते हो तो भी आपकी वॉल्यूम कम होएगी और ज़्यादा होएगी, मतलब कि इसको दबा के आप इसको वॉल्यूम को डायरेक्ट कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे 32-33 ऐसे कम हो रही है तो ये प्ले होगी, सॉरी पॉज होगी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो पूल में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये काफ़ी बड़ी थी। उसके बाद आ जाता है इसका कि कंट्रोल जेड, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई चीज़ डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से इजीली कुछ जो भी आपने मतलब कि जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ हाई लिख दिया, ठीक है। अगर मैं ये बाई चांस कट कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ ये हाई आ जाए, तो कंट्रोल जेड दबाओगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया कुछ टिप्स। अब बताते हैं कि फाइल को कॉपी कैसे करते हैं। फिलहाल इसको बंद कर देते सबको, तो ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको बंद कर दिया, सारे को बंद कर दिया। अब हम बताएंगे कि हार्ड ड्राइव की कॉपी कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे कि हार्ड ड्राइव को पार्ट में कैसे बांटते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इनको जैसे मैंने पार्ट बना रखे हैं F15, इनके नाम कैसे चेंज करने हैं या इनको कैसे डिवाइड करना है, तो इसको हम बंद कर देंगे या मिनिमाइज कर लो या बंद कर लो। अभी आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे H है, D है, E है, F है, G है, H है, C है, ठीक है। तो अभी मैं इसको बता देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने जाना है दिस PC पे, ठीक है। दिस PC पे जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, ये वाला बटन क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, सॉरी फ्रेंड्स ये खुल गया, टच हो गया ये, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो कुछ ये वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आने के बाद आपको जाना है मैनेजर पे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैनेजर पे आपको दिख गया, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा हो, क्लियर नज़र आ रहा है, नहीं है तो हम इसको जूम करके दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये आप देख सकते हो कि आपको एकदम ये क्लियर से दिख रहा है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा जो अभी आपके सामने खुलने वाला है। ठीक है, ये पेज खुल गया। उसके बाद आपको है डिस्क मैनेजर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो डिस्क मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ डिस्क मैनेजर पे जाना है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा सीन ऐसे वाला, ये वाला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि ये मैंने 1 TB की हार्ड डिस्क मैंने अलग से डलवाई है। ठीक है, और ये 512 GB की जो मुझे इसमें देखने को मिली थी, जो खुद की इनवेलिड थी। ठीक है, तो सेम आपको दोनों में सेम ही कॉपी कर सकते हो, आपको ऐसा सीन कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि इसमें मैंने जैसे ड्राइव ये वाली बनाई है, फिर इसमें से ये वाली बनाई है, अगर आप इसमें से डायरेक्ट ये बनाओगे तो नहीं बनेगी, पहले ये बनेगी फिर ये बनेगी। अब जैसे कि मैं इसमें से आपको एक निकाल के दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करोगे, जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपने सबसे ये यहाँ स्मार्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लिक करोगे तो एक ड्राइव हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1 से 10 सेकंड लेगा, जी अगर आपका PC होगा उसी हिसाब से लेगा। तो ये आता है ड्राइव का साइज आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने जो भी साइज रखना है तो आप रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये हम कर देते हैं, जैसे कि इसमें जो आ रहा है अभी ड्राइव का साइज आ रहा है, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ। अगर मैंने इतना ही सेम कर दिया तो जो ड्राइव है वो 0 हो जाएगी और साथ में एक और क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम 500 ये लिख देते हैं, कुछ भी नंबरिंग मैंने लिख दी है, तो इसको हम ओके साइज कर देते हैं, डन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जैसे कि मैंने एच बनाई थी, एच के बाद ये देखते हो ये ड्राइव बन गई 117 GB की। ठीक है, पॉइंट कुछ अभी ये पूरी नहीं बनी, अभी मैंने इसको सेव करना है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद आ जाए न्यू, मतलब कि व्यू का नेम आ जाएगा, नेम हमने रखना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, उसको समझ लेना। इसको छेड़छाड़ नहीं करनी, बस आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद अभी जो ड्राइव बनेगी वो आई बनेगी, आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हो, हमें कुछ नहीं करना। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, तो देन फिनिश, नेक्स्ट नेक्स्ट करते फिनिश। तो ये एक ड्राइव बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, आई ये बन चुकी है, अभी थोड़ा काम कर रही है इसके ऊपर, तो ये आई बन चुकी है, ये देख सकते हो ये ड्राइव बन चुकी है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक बार रीसेट कर दिया, उसके बाद हम दिस PC पे जाएंगे, ओपन करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ड्राइव आई बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये आई ड्राइव बन चुकी है। अभी ड्राइव कैसे बनानी है ये आपको समझ में आ गया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक बार सबसे वीडियो आसान फिर से बना दूंगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आसानी से बनानी है, काफ़ी आसान है। अब नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जैसे कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं, ये स्पेशल मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। फाइनली मैंने इसके कुछ फीचर्स बताए हुए हैं कीपैड के। ठीक है, बाकी जो भी इसको कहते हैं, इसके फीचर्स बताए, कुछ खास फीचर्स इसके बताए हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। और इसी तरह वीडियो बहुत लंबी है, उसके लिए मैंने जो लास्ट में बताया उसकी नेक्स्ट एक पार्ट और बना दूंगा, जिसके कारण आपको सिर्फ वही चीज़ जाननी है तो उसके ऊपर एक अलग से पार्ट बना दूंगा। मेरे हिसाब से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने भी काफ़ी रिसर्च मार के ये स्टडी करके ही आपको अभी बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो इसमें एक ही ड्राइव होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, इसके और फीचर्स जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरी वैसे वीडियो आती है। और हाँ, कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा। जैसे कि मुझे सबसे बेस्ट लगा ये काटने वाला, ये सबसे बेस्ट लगा, 3 fingers down कट गया, 3 fingers up, और चौथा लगा जो वॉल्यूम डाउन करते हैं और अप करते हैं, ये बढ़िया लगा। तो यूज़फुल मुझे सबसे बेस्ट लगा, नीचे करो अप करो, ये सबसे बेस्ट लगा। आपको पता था तो भी कमेंट कर देना, अगर अदरवाइज आपको जो सबसे बेस्ट लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इस तरह मुझे सपोर्ट करते रहें।